चरण, पहला चरण जब नारायण पृथ्वी पर अर्थात आंवले के वृक्ष पर बैठकर आंवला नोमी से साधना करते हुए नेत्र बंद कर देव उठनी एकादशी तक भगवान तब साधना से जब पहली बार उठकर चरण रखते हैं तो मेरे नारायण का पहला चरण भगवान कुबेर भंडारी अर्थात कुबेर स्वयं कुबेर देव भगवान हाथ में ले लेते और दूसरा चरण माता लक्ष्मी ले। देखिए भगवान नारायण के एक चरण को हाथ में ले रहे हैं, दूसरे चरण को लक्ष्मी ले रहे हैं। निवेदन करूंगा मैं आप सबसे महाराज, मान लो कोई व्यापार में अगर तकलीफ हो, कमाई अच्छी नहीं हो रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, तो निवेदन करूंगा कि किसी के चक्कर में मत पड़ना, कहीं जाकर पूछना मत ही, केवल देव उठनी एकादशी के दिन जो अभी आने वाली है कार्तिक के महीने में देव उठनी एकादशी, इस दिन एक सिक्का, जब रात्रि को आप तुलसी जी की पूजन करें, ठाकुर जी की पूजन करें, एक सिक्का उसको नीचे रखकर उसको भगवान को विराजमान कर तुलसी माता या शालिग्राम जी को विराजमान कर फिर पूजन करना। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब आप देवता को उठाएं, वहां पर जब लीपन करें और उठाने जाएं उस गन्ने की झोपड़ी के अंदर, तो वो सिक्के को अपने पल्लू में डालकर हल्दी की कटोरी में भरकर दुकान में व्यापार में व्यवसाय में रख देना। अगली एकादशी तक बताना जरूर कि कितना लाभ मिला, कितना कमाया आपने, सूचना जरूर देना हो, बताना जरूर कि कितना प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि नारायण जब देव उठनी एकादशी पर उठते हैं, जब मेरे भगवान विष्णु अपना चरण नीचे रखते हैं, तो एक कुबेर और दूसरी स्वयं लक्ष्मी भगवान के चरण को अपने हाथों में झेल लेती है। तो जिस स्थान पर आप देवता को उठा रहे हो, जिस स्थान पर आप भगवान की आराधना कर रहे हो, जिस स्थान पर आप भगवान को जगाने का प्रयास कर रहे हो, वहां आप अगर लक्ष्मी को विराजमान कर देंगे तो नारायण का चरण और लक्ष्मी दोनों कुबेर के साथ हमें प्राप्त हो सकता है।